नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्टॉक मार्केट में अभी देख रहे हैं कि रिजल्ट जो काफ़ी ख़राब आ रही है, साथ ही साथ हमारे जो कोरोना वायरस के केसेस वो भी बढ़ रहे हैं, मतलब सिचुएशन आगे का बेहतर होगा या नहीं, इस पे सबको शक है। आगे का सिचुएशन अगर ख़राब हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करनी चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऐसे बेहतरीन स्टॉक जिसमें जो कि आपके लिए एवर ग्रीन सेक्टर से होगा, जिसमें आप इन्वेस्ट है तो उस पे पैंडेमिक का भी असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टॉक है जिसको हमने कल के भी वीडियो में आपको एक स्टॉक्स बताया था, जो है भारत रशियन। ये इतना ज्यादा इन्वेस्टर को रिटर्न दे चुका है पिछले 10 से 15 साल में। अगर आप 20,000 रुपया भी इसमें इन्वेस्ट कर दिए रहते तो आपका अभी इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न होता वो करोड़ों का होता। तो दोस्तों, ये सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर, मतलब कहे पेस्टिसाइड बनाने वाली जो एग्रीकल्चर में यूज होती है, जो खेती में यूज होते हैं। तो इसमें जो बहुत सारी कंपनियां हैं, देखते हैं। पहला है हमारा भारत रशियन, दूसरा है यूपीएल, तीसरा बेयर कॉर्प साइंस, पीआई इंडस्ट्री, फाइन ऑर्गेनिक्स। ये सारी कंपनियां काफ़ी बेहतरीन है। ये सारी की सारी कंपनियां जो है आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। और इसका देखिएगा 52 वीक लो, तो ये देख लीजिए 3700 रुपया से 11,000 तक चला गया भारत रशियन, 240 से 673 तक, यहाँ पर देख लीजिए 2900 से 6300, 973 से 1700, यहाँ पर देख लीजिए 1350 से 2548 तक। तो इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है ये सारी कंपनियाँ। तो ऐसे सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है जिसका जो बिजनेस है वो पैंडमिक से प्रभावित नहीं हो। अभी जो हमारे मेट्रो सिटीज है फैशन वाले, जैसे आपने देखा एवेन्यू सुपरमार्ट क्या करती है, एफएमसीजी प्रोडक्ट भी बेचती है, फैशन भी बेचती है, मतलब रिटेल कारोबार में है। तो उसका बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुए हैं क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में लॉकडाउन लगा हुआ था, और साथ ही साथ अभी जो लोगों के पास इनकम है वो इनकम काफ़ी कम हुआ है। तो ऐसे में लोग जो है खरीदारी करना पसंद नहीं करते हैं। तो आपको वैसे प्रोडक्ट में, मतलब जो नेसेसरी आइटम में आते हैं, अब जो खेती बाड़ी है, जो हमारा एग्रीकल्चर जो वर्क है वो तो बंद होने वाली नहीं है क्योंकि हमारा जो फूड वहीं से उत्पादन होता है। तो वैसे कंपनियों जो कि इस बिजनेस में है, तो देख सकते हैं जो पेस्टिसाइड बनाने वाली, ये सारी कंपनियां काफ़ी बेहतरीन कंपनियां हैं। ये आपको हमेशा रिटर्न देगी चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में हो, क्योंकि इसके प्रोडक्ट पर कभी भी रोक नहीं लगने वाला है चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। उसके बाद जो हमारा दूसरा सेक्टर है वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर भी काफ़ी बेहतरीन है। अभी जो पैंडमिक है ये इस सेक्टर को और बूस्ट कर रहा है। बूस्ट कर रहा है मतलब आपको आने वाले 2-3 सालों में इस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी देखने मिल सकती है। और पिछले 3 सालों से 4 सालों से ये सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा था। तो पिछले कई सालों से ये अंडर परफॉर्म रहा था, अब ये आगे 2-3 साल तक हो सकता है ये परफॉर्म करे। तो सिप्ला ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, सन फार्मा काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, डॉक्टर रेड लैब ये भी काफ़ी बेहतरीन, डिविज लैब, अरविंदो फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, ये सारे के सारे जो है बेहतरीन स्टॉक्स है जो फार्मा सेक्टर है। इसमें से जो आपको स्टॉक्स लगता है 2-3 स्टॉक्स अच्छे, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप 2-4 स्टॉक्स का एक बंच बना सकते हैं जो स्मॉल केस होता है वो क्रिएट कर सकते हैं। स्मॉल केस कैसे क्रिएट करते हैं हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। आप स्मॉल केस क्रिएट कर लीजिए, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टॉक बना लीजिए, जिससे आपका एक बार इन्वेस्ट करेंगे स्मॉल केस के तहत तो आपको सारे के सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा, मतलब आप जो स्ट्रेटेजी बना सकते हैं किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, सेक्टर जो एग्रीकल्चर बिजनेस से रिलेटेड है और जो आपका फार्मा से रिलेटेड है। आगे हम एफएमसीजी की बात भी करेंगे, एफएमसीजी कितना प्रभावित होगा या नहीं होगा। उसके बाद दूसरा जो है आपको स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर, जो पेस्टिसाइड बनाते हैं उसमें भी केमिकल्स यूज होते हैं, और वो एग्रीकल्चर हो गया। ये इधर जो और सारे स्पेशलिटी केमिकल्स हैं और सारे जैसे आरती इंडस्ट्री, ये फार्मा सेक्टर में भी है, स्पेशलिटी केमिकल्स में भी है। तो जो केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स है, फार्मा से रिलेटेड, इन सारी कंपनियों काफ़ी बेहतरीन है। तो इसमें भी देखते हैं आरती इंडस्ट्री काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं, अतुल, बिनाती ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोरिन, एल्काइन एमीन, ये सारे काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। इसमें भी आप चाहे तो 2-3 स्टॉक चूज कर सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, आपने जो देखा एग्रो बिजनेस, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिजनेस में है, फिर जो फार्मा से रिलेटेड बिजनेस में है, इन सारे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद हमारा अगला आता है कि आपको एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो अलग अलग सेक्टर है हमारा, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, फाइनेंस सर्विस हो गया, एफएमसीजी हो गया, आईटी हो गया, मीडिया हो गया, मेटल हो गया, फार्मा हो गया, पीएसयू बैंक हो गया, प्राइवेट हो गया, रियल्टी सेक्टर हुआ। इसमें से बैंकिंग सेक्टर अभी इन्वेस्ट करने के लिए उचित समय नहीं है। जो बैंकिंग सेक्टर है वो लॉन्ग टर्म में, अभी जो पैंडमिक हमारा अगर लंबा चलता है तो ये काफ़ी प्रभावित होगा, क्योंकि जो लोन डिफॉल्ट है वो बढ़ेगा, साथ साथ जब आदमी के पास इनकम कम होगा डिपॉजिट भी घटेगा। अभी तो पैंडमिक में डिपॉजिट बढ़ गया था थोड़ा सा। उसके बाद ऑटो सेक्टर तो काफ़ी प्रभावित हुआ, बुरी तरह से ये प्रभावित हुआ, ये सेक्टर बिल्कुल भी आपको छूना नहीं है। फाइनेंस सर्विस ये भी प्रभावित होगा, तो बैंकिंग, फाइनेंस, ऑटो ये पूरी तरह से प्रभावित, फिर एफएमसीजी ये बहुत ही कम प्रभावित होगा। इसमें जो स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके प्रोडक्ट एसेंशियल आइटम्स में आते हैं, मतलब जो डेली प्रोडक्ट में यूज होने वाले हैं, उन कंपनियों के बिजनेस बहुत ही कम प्रभावित होंगे। लेकिन एफएमसीजी में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि नेसेसरी नहीं है तो वह प्रभावित होंगे, मतलब जिसको बिना यूज किए हमारा दैनिक जीवन जो है उसको चलाया जा सकता है, तो वो स्टॉक्स थोड़े प्रभावित होंगे। उसके बाद आता है निफ्टी आईटी, आईटी सेक्टर ये भी प्रभावित हुआ कि जो हमारा अमेरिका यूएसए है उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे लॉ आ रहे हैं जिससे कि भारत की कंपनियों को दिक्कत हो सकती है, तो ये भी थोड़ी सी प्रभावित हुई है। ज़्यादा असर इसमें नहीं पड़ने वाला है, तो एफएमसीजी हो गया, थोड़ा बहुत आप आईटी में बाइंग कर सकते हैं, फिर मीडिया सेक्टर शॉर्ट टर्म में ये प्रभावित हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मीडिया सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि अब जो हमारा ऑनलाइन प्रोसेस है वो सारा बढ़ता जा रहा है, मीडिया भी सारे अब ऑनलाइन वर्क पे आ चुके हैं, तो जो ऑनलाइन का जो इनका कारोबार है वो बढ़ेगा। तो अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में ये प्रभावित हुआ था क्योंकि पैंडमिक जो आया एक आया, तो ये अपने बिजनेस को लेकर प्रिपेयर अच्छे से नहीं थे, थोड़ा सा एड रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ था। अब धीरे धीरे इनका एड रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, इनका बिजनेस भी स्केल करेगा, क्योंकि अब ये पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं पूरे ऑनलाइन प्रोसेस के लिए, तो मीडिया सेक्टर भी आगे आपको बूम होता दिखेगा। तो एफएमसीजी के जो टॉप स्टॉक है उसी के साथ जाए, मीडिया सेक्टर जो टॉप स्टॉक्स है उसी को जाए, छोटे छोटे बिजनेस काफ़ी प्रभावित होंगे, आईटी सेक्टर जो टॉप स्टॉक्स हैं उसके साथ जाएं। तो ये तीन स्टॉक्स हैं, मतलब ये तीन सेक्टर है जिसमें आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी बना करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर मेटल सेक्टर इसमें आपको नहीं जाना चाहिए, फार्मा बेहतरीन सेक्टर है, पैंडमिक में काफ़ी बूस्ट हुआ है, पीएसयू बैंक बिल्कुल नहीं जाना है, प्राइवेट बैंक बिल्कुल नहीं जाना है, मतलब इसमें अगर जाना है आपको बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस सेक्टर में तो सिर्फ लीडर स्टॉक के साथ जाएं। फिर रियलिटी सेक्टर ये काफ़ी प्रभावित होने वाला है, तो इसके साथ भी आपको नहीं जाना है। तो जो हो गया एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, फार्मा, इसके मतलब जो लीडर स्टॉक से उसके साथ जाए। अभी जो है ब्लू चिप कंपनियां या कहे जिसके प्रोडक्ट मार्केट को लीड करते हैं उन कंपनियों के स्टॉक्स में आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये था जो वैसे सेक्टर जिसमें आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके जो अलग अलग स्टॉक्स हैं उसको हम आप आगे के वीडियो में लेके आएंगे, आपको फार्मा के कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करनी चाहिए, फिर मीडिया के कौन कौन से स्टॉक में, आईटी सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक में, एफएमसीजी के कौन से स्टॉक में, तो इस सारे मतलब अलग अलग सेक्टर के हम स्टॉक को लेकर आएंगे जिसमें आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। और साथ ही हमने आपको बताया था एग्रीकल्चर बिजनेस में जो भी स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर जो स्पेशलिटी केमिकल्स में है, फार्मा में, तो इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटजी आप धीरे धीरे बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।